आगे चक्र के ऊपर कोई एक चीज़ ढकने के बाद मैं ब्रह्मांड के अंदर चला गया। तो वहाँ पे मैं चला गया और मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, अरे मैं तो नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं हूँ, मैं हूँ तो कहाँ हूँ, मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खुद को देखा हूँ, अंतर आत्मा को, खुद का अंतर आत्मा को मैंने देखा है। कैलाश जैन टिटलागढ़ डिस्ट्रिक्ट बलांगीर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैंने एक्चुअली मैं 22-24 साल का जब था मैं, तब से मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जाता था और वहीं से मैं राजयोग पहले वहीं पे करता था, वहीं से ध्यान सीखा था और उसके बाद 5-6 साल मैं कंटिन्यू 2 टाइम करता था और शादी होने के बाद मैंने ध्यान टोटली छोड़ दिया था, 20-25 साल छोड़ दिया। अभी जब मैं 50-51 ईयर्स का हुआ तो अभी मैंने एक दिन फिर चालू किया ध्यान। तो फिर हम लोग एक आश्रम कर रखे हैं टिटलागढ़ में, एक बगीचा है हम लोगों का, हम 4-5 लड़के हैं, हम लोग वहाँ पे ध्यान करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करते हैं। और इससे पहले हम लोग विपासना गए थे खरिया रोड में, हमारा उड़ीसा खरिया रोड में विपासना सेंटर है, वहाँ पे भी हम लोग 11 दिन का कोर्स किए थे। हम लोग 8 गए थे, लेडीज़ 4 जेंट्स 4, तो वहाँ पे हम 10 दिन का कोर्स करके आए। और जब मेरा स्टार्ट किया, अभी मैं 2 साल हो गया ध्यान स्टार्ट किया हूँ, तो 2 साल जब पहले दिन मैं स्टार्ट किया था तो मैं बैठ के ध्यान कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे छोटा होते जा रहा हूँ, छोटा होते जा रहा हूँ, छोटा होते जा रहा हूँ, तो मैं डर गया। तो उसके बाद मैं उसको रिटर्न किया, फिर ध्यान से उठ गया और उस दिन से मेरे को जब रात को 1 बजे मेरा आँख खुल जाता था और मेरे को क्रिया योग होता था, मेरे पेट को अंदर खींचेगा, पैर को स्टेज में लाएगा और 1 बजे उठ के मेरा क्रिया योग डेली 15-20 दिन तक चलता रहा। फिर क्रिया योग चलने के बाद मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा, फिर जैसे पीछे तरफ से मूलाधार चक्र से फिर ऊर्जा उठने लगा और ऊर्जा उठने के बाद हम लोग ध्यान भी बढ़ाने लगे, ध्यान करते रहे हमारा बगीचा में। और एक दिन मैं घर में मैं बैठा था, जैसे घर में सोया हूँ तो मेरे को एक दिन बुद्ध देखे, सोया था बुद्धदेव को देखा मैं। और एक दिन मैंने मेरे को एक रिंग चुहा जैसे गोल टाइप का था, मेरे को ऐसा रिंग चुहा के अंदर मैं सोया था, मेरे को बहुत स्पीड से जेट से भी ज़्यादा स्पीड मेरे को ले गया ब्रह्मांड के अंदर और मेरे को दिखाया देख। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मयूरपंख बहुत क्लियरली 7 कलर दिख रहा है, मेरे को मयूरपंख दिखाया। मैं बोला ऐसा तो मैं डेली देखता हूँ मयूरपंख, ये क्या है? तो एक अनुभूति था वो। और उसके बाद मैंने और एक दिन, मैं धूप का दिन था, दुकान में सोया था चटाई डाल के, तो उस दिन मेरे को कोई एक ठो मेरे को बोला बेटा, तो मेरा मुंह से ही निकला बेटा बोल के आवाज़। मैं बोला कौन? तो उसके बाद फिर मेरे को उसने ब्रह्मांड दिखाया, मैंने पूरा क्लियर कट ब्रह्मांड देखा, उसमें ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर सब था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद फिर उसका चेहरा देखा, कोई था या तो गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने वो ब्रह्मांड को देखा। और उसके बाद मेरे को माइंड में चला ये क्या चीज़ है। तो एक दिन यूट्यूब में मैं देखा कि ये एक्चुअली में ब्रह्मांड होता है, मेरे को फिर उसी दिन से मालूम चला कि ये एक्चुअली मैंने ब्रह्मांड देखा बोल के। तो उसके बाद मैंने फिर हम लोगों का ध्यान चलता रहा आश्रम में। तो ध्यान चलते चलते मैं एक दिन ध्यान में बैठा था सुबह और मेरा आज्ञा चक्र के ऊपर कोई एक तो चीज़ आके ढक गया, आगे चक्र के ऊपर कोई एक चीज़ ढकने के बाद मैं ब्रह्मांड के अंदर चला गया। तो वहाँ पे मैं चला गया और मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, अरे मैं तो नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं हूँ तो कहाँ हूँ, मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खुद को देखा हूँ, अंतर आत्मा को, खुद का अंतर आत्मा को मैंने देखा है। वो उसमें कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, और जैसे आकाश शून्य है वैसे ही वो एक शून्य है, शून्य के साथ मिल गया था। और मेरा साइड से कोई बोल रहा था मेरे को कि तू 3 महीना बैठ सकता है बैठ जा, तू 3 महीना बैठ सकता है बैठ जा। तो मैंने बोला 3 महीना? मैं डर गया, 3 महीना कैसे बैठ सकता हूँ? तो डर गया, तो इधर मैं मेरा आँख खुल गया, तो फिर आँख बंद हो गया, आँख बंद होने के बाद मेरा वो ध्यान ब्रेक हो गया, फिर धीरे धीरे मैं वो रिटर्न आ गया। ऐसा ये भी एक अनुभूति था। और एक अनुभूति था मेरा कि एक दिन
फिर उसके बाद मेरा माइंड के अंदर 24 घंटा साउंड अनाथनाथ साउंड चालू होने लग गया। मेरा अभी तक भी मेरा 24 घंटा साउंड चलते रहता है, और 24 घंटा मैं रात को जैसे 1 बजे हो या 2 बजे हो उठता हूँ पेशाब जाने के लिए, पेशाब जाता हूँ तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं लगता, मैं सोए सोए साउंड को सुनते रहता हूँ। और साउंड का खेल बहुत सारा है उसमें, इतना साउंड का खेल है कि वो पूरा मौन कर देता है और साउंड चेंज होते जा रहा है। ध्यान में बैठने से कब कब ध्यान में बैठता हूँ तो कोई मुर्दुम का आवाज़ सुनाई देता है, किस टाइम और कुछ सुनाई देता है, ऐसे ही साउंड भी चलते रहता है। और एक एक्सपीरियंस था मेरा कि हम लोगों का अभी भी ध्यान चल रहा है, फिर मैं ZTTP 12th में जुड़ा, 12th में पत्री जी सर आए थे, पत्री जी सर के साथ मैं मिला था। और उसके बाद 13 भी हम लोग ZTTP किया मैं, और सेहत मास्टर जो ZTTP हमारा इनर है उसको भी मैंने कम्प्लीट किया है, और हमारा वो कंटिन्यू चल रहा है। और पत्री जी से भी सर से भी यूट्यूब में मैंने वो 12th में मिला था। और साउंड उसके बाद मेरा माइंड अंदर से कुछ कुछ बोलता है, वो एनी टाइम बोलते रहता है माइंड। मैंने ये देखा ध्यान करते 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 करते, जब मैंने मेरा माइंड पहले से सब बोलना चालू कर दिया। मैं एक दोस्त के यहाँ गया था तो मेरे को बोल रहा है अंदर से, देख तेरे लिए नींबू पानी बना रहे हैं, तू मना कर दे अभी तो नींबू पानी पिएगा तो तेरा ऊर्जा उतर जाएगा। तो मैंने बोला ये क्या क्या अंदर से बोलते रहता है, 10 मिनट के बाद देखता हूँ तो ओरिजिनल वो नींबू पानी लेके आता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि पहले से मेरा अंदर जो माइंड बोलता रहता है। और ये सूक्ष्म शरीर का मन और स्थूल शरीर का मन, स्थूल एक बार बोलता है माइंड यही है, तो और एक माइंड बोलता है कि तेरे को देख डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बोला ये माइंड ही बोल रहा है फिर माइंड ही बोल रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या बात है, वही चीज़ बोल रहा है वो मन ही बोल रहा है फिर मन ही डिस्टर्ब कर रहा है बोल रहा है। तो बाद में फिर मेरे को चला कि ये स्थूल शरीर मन होता है, सूक्ष्म शरीर का मन होता है। जो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर का मन बोलता है वो एक एक बार झूठ बोल देता है, और जो स्थूल शरीर का मन है वो ओरिजिनलिटी और करेक्ट बात बोलते रहता है। और ध्यान में जाते 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 अभी मेरा ऑटोमेटिकली संभावी मुद्रा होता है, सब ऑटो सिस्टम है अंदर, सब कुछ ऑटो सिस्टम है, कुछ भी नहीं करना है, आनापान सति ध्यान करना है। आनापान सति ध्यान करते करते बस आपको अंदर 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 घुसना है, अंदर अंदर घुसते घुसते सब वो मन के पास पहुँचते हैं, मन के पास पहुँचने के बाद फिर विवेक के पास पहुँचना है, फिर विवेक के पास पहुँचने के बाद फिर तो खेल चालू होता है, फिर ब्रह्मांड के अंदर जाना। वो ब्रह्मांड का बहुत कुछ सारे ऊपर से ऊर्जा आता है बॉडी, जब मैं नया नया ध्यान करता था तो सोने के टाइम मेरे को झटका लगता था, तो एक्चुअली में मेरा जो ऊर्जा उठता था वो ऊर्जा अंदर मेरा जो भैन है वो भैन का सब ब्लॉकेज खुलता था, ब्लॉकेज खुलते खुलते मैं महसूस करता था कि ये ब्लॉकेज खुल रहा है। और जब मैं साउंड को, जब मेरा ध्यान में बैठने से साउंड जब आता था मैं साउंड को ध्यान करता था, वो साउंड के ऊपर टिक जाता था, तो साउंड के ऊपर टिकने से मेरे को एक तो जैसे कमरा है कमरे के अंदर घुसना है, मतलब इस टाइप का शट करके अंदर घुसाता था, और शट करके अंदर घुसने के बाद मेरा बॉडी वाइब्रेटिंग बहुत जोर से होता था, जैसे मेरे बॉडी में मतलब असंभाल ऊर्जा आ रहा है मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो बॉडी एकदम वाइब्रेटिंग होने के बाद फिर मैं वापस आ जाता था ध्यान से। ऐसे हम लोगों का, हम लोग 4-5 भाई हैं, हम लोग कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं, हम लोगों का ध्यान चल रहा है। और इतना कहते हुए मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ये पूजा पाठ ये सब में कुछ नहीं होने वाला। अब जब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम अंतर प्रवेश हो गया तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये बाहर का दुनिया अंदर का दुनिया में बहुत अंतर है, जब अंतर का दुनिया में आप प्रवेश करोगे तो वो दिखाएगा बाहर का दुनिया, देख ये दुनिया है, देख ऐसा है, देख ये ऐसा है। तो अंदर का दुनिया जाने के बाद आपको पूरा ब्रह्मांड का सब समझ में आने लगेगा, एक्चुअली में ओरिजिनलिटी और एक्चुअली सत्य जो है अंदर में सब कुछ है। हमारे अंदर क्या नहीं है, हमारे अंदर साउंड है, हमारे अंदर चक्र है, कुंडलिनी है, कोष है, लाइट है, साउंड है, रस है। तो ये सब चीज़ धीरे 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 मिलते जाएगा, सब चीज़ धीरे धीरे मिलते जाने से स्थिति धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बस वही ध्यान से ही सब कुछ प्राप्ति हो सकता है, और दूसरा कुछ नहीं है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बस शांत रहना है, आँख बंद करना है, कुछ भी नहीं करना है, साइलेंट बैठना है, वही साइलेंट बैठना वही तो करना है, कुछ भी नहीं करना वही ही करना है। बस अपना सांस गया देखा, सांस आया देखा, सांस गया देखा, सांस आया देखा, वो एक माला बन जाता है। वो माला को देखते 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 आप अपने अंतर बिंदु में प्रवेश करो, धीरे 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 अंदर 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 प्रवेश करते करते एक बिंदु में एकत्रित होने के बाद
आपका सब कुछ खेल चालू होता है। बस इतना कहते हुए मैं सबको नमस्कार करता हूँ।